बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। शाम के समय गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों को एक पान टपरी से अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री होने की गुप्त खबर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस कर्मियों ने पान टपरी में छापा मारकर 1,050 रुपए मूल्य की देशी शराब अवैध रूप से बेचते हुए आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। भंडारा फॉरेस्ट रेंज अंतर्गत मालीपार राउंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर कोकनागढ़ एवं शिंगोरी के बीच एक जंगली भालू को अज्ञात तेज रफ्तार भारी वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें भालू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। साकोली से लाखनी जाते समय नवेगांव सड़क पर सड़क पार करने वाले जानवरों को बचाने का प्रयास करते समय ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह दूसरे अज्ञात वाहन से टकरा गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। शहर में गुरुवार की सुबह 11 बजे के दौरान एक मतिमंद ने शहर में गोली चलने की अफवाह फैलाकर सनसनी मचा दी। शहर पुलिस की सतर्कता से अफवाह फैलाने वाले को हिरासत में लिया गया। गोरेगांव थाना के तहत महसगांव में एक घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम महसगांव निवासी ढिवरू ईसन इडपाचे, उम्र 55 वर्ष बताया गया है। गोरेगांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। गोंदिया पुलिस ने रेलवे स्टेशन परिसर में 2 मोबाइल चोर व 1 शराब तस्कर को पकड़ा। उसके पास से 2 मोबाइल की मत 34,000 रुपए व शराब तस्कर के पास से 5,990 रुपए की शराब समेत कुल 39,990 रुपए का माल जब्त किया। आरोपी हमेशा शराब पीकर घर आकर अपनी माँ से झगड़ा करता है। जब महिला घर पर थी तो लड़के ने यह कहकर अपनी माँ का गला घोटने की कोशिश की कि वे पैसे नहीं दे रही है। गंगाझरी पुलिस ने आरोपी रोहित जगदीश तुरकर, उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।